नमस्कार, मैं संजू रजवार शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह से। तो अभी मैं मॉर्निंग के 7 बजे निकली हूँ सफाई कर्मचारी के साथ। तो देखते हैं आज सर्वे में क्या होता है कि परसों जो हमने कहा था लास्ट सैटरडे को, तो आज फिर से हम लोग सर्वे में आए हैं, उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं। तो अभी आ रहे हैं सफाई वाले भैया, क्योंकि वो लेकिन लेने गए कट्टे दो अलग अलग, जिसमें सूखा और गीला कूड़ा वो लोग रखते हैं। तो और तो कोई आया नहीं हमारे समूह से, सिर्फ मैं ही हूँ, क्योंकि मैं पास में रहती हूँ इस एरिया के। तो मैं जा रही हूँ अभी सुबह को, दिन में हम लोग और लोग भी जाएंगे। और देखिए सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये है साइरन कि सभी लोग आ जाएं कूड़ा देने के लिए। तो देखते हैं सूखा और गीला कूड़ा यहाँ से अलग अलग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आ गए हैं, कूड़ा किस किस रूप में दिया जा रहा है देखते हैं। मैम आप गीला और सूखा कूड़ा अलग दे रहे हैं? हाँ, मैं सूखा गीला दोनों अलग। हाँ तो अलग दे दीजिए आप मुझे। चढ़ के जाना पड़ता है यहाँ। थैंक यू। देखिए बहुत ही अच्छा ये बच्चे हैं, वेरी गुड। मिक्स है, किसका है मिक्स? बेटू मिक्स नहीं करना घोड़ा, ठीक है? कल से हम लोग आएंगे ना, जो सब्जियों के फ्रूट्स के ये सब गीला कूड़ा होता है वो अलग रखेंगे, ठीक है ना? हाँ, आज हम आ रहे हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू। सबसे पहले तो ये हम लोग ना शिव शक्ति एस एच जी से हैं, ये रुकुट कंपाउंड में घूम रही थी ना मैं अभी। हाँ तो ये ग्रीस भैया हैं, तो ये कह रहे थे सूखा गीला तो यहाँ अलग अलग ही दे रहे हैं लोग, मिक्स है तुम्हारा सूखा है तो, लेकिन डस्टबिन में तो इनको एक ही डालना पड़ रहा है। ये सूखा कूड़ा मतलब अगर अलग से ही ले जाया जाए तो कैसी व्यवस्था होगी सर इसकी? हाँ क्योंकि रखेंगे वहाँ पे तो बंदरों ने फैला देना है वो। तो अभी मैं घूम रही हूँ सुबह को इनके साथ, क्योंकि हमने सुबह को देखना था ना कि हम लोगों ने यहाँ पर अगर अध्ययन किया है तो कितना प्रोसेस पे चल रहा है। तो लोग अलग अलग ही दे रहे हैं, तो गीला तो चलो डस्टबिन में डाल देंगे, सूखा थोड़ा सा अलग रखने की व्यवस्था कैसे होगी सर? ज्यादा देर भी यहाँ रखा नहीं जा सकता, बंदर पूरा कर देते हैं यहाँ सर। बबलू ठीक है सर, ठीक है। हम लोग अगर की गाड़ी ऊपर में मोड़ कर लिया, चलो रखो नहीं। भैया सूखा कूड़ा रख रहे हैं, तो ये यहाँ पे गाड़ी मोड़ने की बहुत ही व्यवस्था नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं मोड़ पा रही है। तो सर यो मैम देख रही होंगी, तो यहाँ पे अगर छोटी गाड़ियों की व्यवस्था हो जाए मैम तो अच्छा। ये कूड़ा डाल देना, हाँ है ना, क्यों नहीं है आज? आप लोग देख सकते हैं ये है सूखा कूड़ा, ये सीख सकते हैं ये भैया हैं। तो हमारे 3 बैग्स बने थे, लेकिन 3 बैग्स हमारे एक बैग में वो हो गए, एडजस्ट हो गए। तो ये शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह की आज सुबह की कोशिश है। तो नंदा समूह आज आ नहीं पाया, तो नैनीताल वार्ड से आज सूखा कूड़ा हम लोगों ने फिर से दे दिया है। तो सोचेंगे रोज रोज ये चीज़ें जाएँ। थैंक यू दीपक भैया। तो इसे सूखा ही ऐसे ले जाओगे आप? सूखा खोल, अगर ऐसे डाल देंगे तो कोई नहीं, मैं दे दूंगी इनको कट्टे, उनके बब्बू भाई को देना है, मैं कट्टे दे दूंगी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। कहाँ को जा रहे हो तुम सीधे? मेट्रो बोल। हाँ हाँ ठीक है भैया। हाँ ओके, रोज परेशान हो गए आप लोग वैसे ही। थैंक यू भैया, चलिए ठीक है आप लोग जाइए। हाँ तो आज सुबह की शिव शक्ति सहायता की जो पहल है, जो मुहिम है, जो कोशिश है, वो थोड़ी सक्सेस हो चुकी है। तो मैम तो मैं उम्मीद करूंगी कि नेक्स्ट टाइम हमारे और मेंबर्स भी आए सुबह को।